चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, महमूद, गजनी, मोहम्मद घोर, बाबर, हुमायूं, अकबर। क्या आपको लगता है एक दिन हमारा भी नाम यहाँ होगा? बेशक, बल्कि एक दिन क्यों, आज ही लिख देते। क्या बात, शहंशाह सलीम। खबरदार, कुका, तलवार मायन में वापस रखो। जी रखो। इसकी गर्दन कलम करने के बाद कुका। जहां पना, हम तो बस खामोश। पर हमने ऐसा क्या गुनाह किया अब्बू? जिन बादशाहों के मोहर और नाम के आगे आप अपना नाम लिखने जा रहे थे, उन्होंने बड़े वक्त और मशक्कत के बाद बादशाहत हासिल की है। नशे में धुत होकर वक्त जाया करके नहीं। जब हम बादशाह बनेंगे ऐसी ना, आप बादशाह बनेंगे आपकी तकदीर की वजह से, आपकी पैदाइश की वजह से, आपकी काबिलियत की वजह से नहीं। दफा हो जाइए यहां से। तो होशियार खान, क्या खबर है? मन भाई पाशा बेगम फिर नशे में है। उनके कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही है। निकल जाओ। आपकी इन हरकतों की वजह हमें मालूम है। शहजादा सलीम दोबारा निकाह कर रहे हैं ना, इसलिए। माना कि आप शहजादे सलीम की पहली बेगम हैं। आप जितने भी तमाशे करें, चीजें फेंकें, ये निकाह तो कोई नहीं डाल सकता। तो आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप खुद को समझा लें। हमें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, इसे साफ करवा दीजिए। जनाब, हम तो कहते हैं कि आप जनाने की तरफ निशाना लगाइए, वहीं से खुलेंगे आपके लिए रास्ते। नई बेगम से निकाह करने के बाद सारे राजपूतों से हाथ मिलाइए और राणा प्रताप को मसल आइए। अरे शहजादे, दक्कन जैसी बेहुदा जगह आपके लिए नहीं है, वहां किसी को तजुर्बा भी नहीं है। दक्कन की कार्रवाई आगे चलकर बहुत अहम होने वाली है कोका, बहुत अहम। फौजी कार्रवाई हासिल न होने से कुछ नहीं खोने वाला। यहाँ खड़े बादशाह और उनके प्यादों को हटाना होगा। जिंदगी की इस शतरंज में सिर्फ काले और सफेद प्यादे नहीं है, और भी कई रंग है। ये खेल खून मांगता है। अगर आप बहाने को तैयार है तो जीत आपकी होगी, फिर चाहे वो खून अपनों का क्यों ना हो। एक और लफ्ज तुम्हारी जुबान और तुम्हारी गर्दन एक साथ उड़ा दी जाएगी, कोई शक नहीं। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। अति सुंदर, जब तक जादू समाप्त नहीं हो जाता ना, बहुत प्यार किया जाएगा तुम्हें। उसके बाद तुम्हें हमारे पास ही आना होगा, शहजादे को खुश करने की गुर सीखने के लिए। और वैसे भी ये जो सुंदरता है ना, ये ज्यादा देर नहीं ठहरती। याद रखना, हम बड़ी बेगम हैं और उनके बड़े बेटे और इस मुगल सुल्तनत के वारिस की माँ है। तुम्हें हम समय समय पर सहायता करते रहेंगे। हमें किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। वैसे शहजादे खुसरो अब कैसे हैं? सुना है कि उनकी मनोदशा कुछ ठीक नहीं रहती। राजकुमारी सा, खुसरो, क्या क्या आपने, क्या कर रहे हैं आप? हाँ, वैसे इनकी परिस्थिति देखकर लगता है कि आपको हमारी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। जोधपुर में बड़े बड़े वैद्य हकीम हैं, आप कहें तो बुलवा भेजें। धन्यवाद, पर हमें आपकी सहायता की जरूरत नहीं है। अब आपने बहन बना ही लिया है तो हम इस रिश्ते को पूरी श्रद्धा से निभाएंगे। आज दीवाने खास में क्या चल रहा है? हुजूर, कश्मीर के नवाब आपके चाचा जहां पना के सामने महसूल माफ करने की अर्जी लेके आए हैं।
अच्छा, जहां पना रहम दिल बादशाह अपने बेटे के निकाह के मुबारक मौके पर आपका चचेरा भाई एहसान की उम्मीद लेकर बड़ी दूर से आया है। कब तक नातों रिश्तों के दम पर अब जहां पना के फैसले की नाफरमानी करते रहेंगे। बहुत वक्त से आपका नाटक देखते आए और अब हमारे निकाह का फायदा उठाने नहीं देंगे आपको। तो ही नहीं करनी थी तो आपने कर दी होती जापना। निकाह का न्योता देकर हमें बेइज्जत किया गया, ये बदनामी हम नहीं भूलेंगे। हम चाहते हैं कि आप तशरीफ रखें और अपनी दलील पूरी करें। जापना, अब देखने को कुछ नहीं बचा है, इजाजत दीजिए। सलीम, अगर आप अपने गुस्से को काबू में रखते तो बात इतनी बिगड़ती ही नहीं। आपकी नादानियों की वजह से हमारी सारी कोशिशें एक पल में जाया हो गई। अबुल फजल, किसी भी तरह रोकिए उन्हें और अगर फिर भी नहीं माने तो जंग के लिए तैयार हो जाए, दरबार बर्खास्त किया जाए। कुर्रम, तुम्हारा नाम क्या है? भैरुन्निसा।